खबर राजधानी जयपुर के बगरू से है। बगरू विधायक गंगा देवी ने किसानों के समर्थन में बगरू विधानसभा की कई ग्राम पंचायतों का दौरा किया। मंगलवार को विधायक गंगा देवी ने नेवटा, जयसिंहपुरा, मोहना, मंदाऊ सहित कई ग्राम पंचायतों का दौरा किया। विधायक ने किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। किसान पिछले 1.5 महीने से सड़कों पर है, मोदी सरकार किसानों के लिए संवेदनशील नहीं है। गंगा देवी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। विधायक के दौरे के दौरान विधायक के साथ ब्लॉक अध्यक्ष बंसीधर गढ़वाल, पूर्व प्रधान हर्षा यादव, समाज सेवी हनुमान मुंड, ललित किशोर गोलाड़ा, जगदीश जौहरी सहित सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। जी हाँ, देखिए हम सब नेवटा पंचायत के किसान इकट्ठे हुए हैं। सभी किसान हैं, 36 कौमों के किसान हैं। मोदी जी जिन्होंने 3 कृषि कानून बिल लाए हैं, जिनको हम काला कानून कह रहे हैं, हमारे 70 किसान दिल्ली बॉर्डर पर शहीद हो चुके हैं और आज भी मोदी सरकार की बिल्कुल जूं तक नहीं रेंग रही है। जो 3 कानून है, मैं आपको फिर बता दूं, जो मंडीकरण बंद हो, दूसरा कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग वो कर रहे हैं, और तीसरा जो कर रहे हैं वो है उनके बड़े बड़ा वेयर हाउस बनाना। ये तीनों ही प्रक्रिया, तीनों ही कानून काले कानून हैं। हम सब इनका घोर विरोध करते हैं। अगर मंडियां बंद हो जाएगी तो किसान बर्बाद हो जाएगा। किसान अपनी फसल औने पौने दामों में ये कॉरपोरेट घराने खरीद लेंगे और फिर इन्हीं फसलों को अपने जो इनके जो बड़े बड़े वेयर हाउस जो ये बना रहे हैं, और इनके वेयर हाउसेज का काम भी शुरू हो गया है, उनमें ये भर के फिर इन्हीं गेहूँ को वो 10 रुपये में खरीद के इन्हीं को 100 रुपये में बेचेंगे, और जो आम गरीब जनता को भी जो 2 रुपये किलो में जो गेहूँ मिल रहा है वो भी फिर नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें भी खड़े हाथ कर देगी सरकार, जैसे अभी जो डीजल और पेट्रोल में कर रही है ना खड़े हाथ, वैसे उनमें फिर खड़े हाथ कर देगी। इसलिए हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय ने यह कृषक संवाद प्रोग्राम जो चलाया है, उसमें आज हमारे विधायक महोदय भी आएंगी और सारे किसान इसीलिए इन काले कानूनों का विरोध करने के लिए इकट्ठे नहीं है। एमएसपी करती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार अगर इसको कानून बना दे, हम किसान यही मांग कर रहे हैं, अगर उनको कानून बना दे तो अपने आप कोई नीचे खरीदेगा ही नहीं, फिर समानता लागू हो जाएगी। यही मांग है, एमएसपी लागू करो और इन तीनों कानूनों को वापस लो।